My dad, being in Merchant Navy, that he knew that how much life is tough on board. So he told me that, beta, you better go for engineering or something else rather than joining Merchant Navy. It will be a bad option for you. And I got 89.9% in JEE mains back in year 2008. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing good. I am also doing great. So guys, आज की वीडियो रियली काफी ज्यादा स्पेशल इंपॉर्टेंट वट एवर यू कैन से लाइक कि भाई आज की वीडियो में बेसिकली आई विल टेल यू ऑल दैट हाउ आई कन्विंस्ड माय पेरेंट्स दैट आई वांटेड टू जॉइन मर्चेंट नेवी एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आई हैड फाइट विद माय पेरेंट्स कि भाई नहीं मैं नहीं जाऊंगा थापर कॉलेज में टू डू इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस आई विल गो इन मर्चेंट नेवी फॉर श्योर बिकॉज आई ऑलवेज वॉन्टेड दैट आई वॉन्ट टू सिक्योर माई फ्यूचर एज सून एज पॉसिबल ठीक है इफ यू गो फॉर अ डिग्री यू रिक्वायर 4 years एंड मे बी उसके बाद प्लेसमेंट होगी कि नहीं कैसी कंपनी मिलेगी कितना पैकेज मिलेगा एवरीथिंग इज नॉट श्योर बट वंस यू ज्वाइन अ गुड कंपनी इन मर्चेंट नेवी एंड यू नो हाँ यहाँ पे स्कोप है इस कंपनी अच्छी है वेटिंग पीरियड कम है तो यू आर ऑलवेज ऑन अ राइट Profession is not good or bad. People who are in profession, people who are working for the profession are good or bad. That's it. So guys, I'll go ahead with my topic that how I convinced my parents to join Merchant Navy. So basically, my dad is also in Merchant Navy and he knew, unko to pata hi rahega bhai ki life is very tough on board. Ki bhai 9 mahine ghar se door rehna, it's very difficult like 5-6 महीने घर से दूर रहना इज वेरी डिफिकल्ट और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है अगर घर पे कोई प्रॉब्लम हो जाए बहुत टाइम लग जाता है आने में एक्सेट्रा थिंग तो मेरे डैड को सब कुछ पता था तो आफ्टर 12th व्हेन आई कुड नॉट मेक थ्रू NDA बट आई ऑलवेज वांटेड अ यूनिफॉर्म तो उसके बाद मेरे को द बेस्ट ऑप्शन लगा मर्चेंट नेवी ही बट मैंने JEE का फॉर्म भर रखा था तो मैंने JEE मेंस भी दिया था एंड आई गॉट 89.9 बट मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था इंजीनियरिंग करने का कभी तो आई टोल्ड माई डैड कि आई वॉन्ट टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी तो माई डैड सेड कि नहीं यू विल नॉट ज्वाइन मर्चेंट नेवी बेटर गो फॉर इंजीनियरिंग अगर तुम्हें NIT नहीं मिलती इतने मार्क्स से बेटर गो टू थापर कॉलेज थापर इफ एनीबडी डजंट नो दैट इट्स वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज ऑल ओवर इंडिया थापर इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज तो वी कुड इजीली अफोर्ड इट तो फिर मैंने उसके बाद काफी सोचा एंड आई वाज बिट कंफ्यूज बट आई टोल्ड माय डैड नो दैट आई वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी सो ही आस्क्ड मी व्हाई डू यू वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी माय डैड सेड कि आई हैव लर्न दिस मच दैट इफ यू डू इंजीनियरिंग आल्सो योर लाइफ वोंट बी वेरी टफ बट आई सेड दैट आई वांटेड टू डू समथिंग ऑन माय ओन रादर देन स्पेंडिंग योर मनी सो क्योंकि छोटे होते से बड़े होते तक मैंने बहुत पैसे खर्चा किए ठीक है टू बी ऑनेस्ट मैं झूठ नहीं बोलूंगा बट व्हेन आई जॉइंड हेयर इन मर्चेंट नेवी एंड आई केम टू नो भाई कि वो जो मेरे डैड की सैलरी थी 6 digit 7 digit जो भी थी वो तो वो कितनी मेहनत से वो कमाते थे एंड हाउ हार्ड लाइफ इज ऑन बोर्ड तो आई रियलाइज सडनली एंड सडनली द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी बट स्टिल आई स्पेंड ऑन मैनी थिंग्स लाइक Whatever I need. And I have also improved my lifestyle after joining Merchant Navy. Like, I keep spending on my things that keep me, I should look good looking and I have invested on my lifestyle. Kyunki abhi koi responsibilities nahi hai, jab aayengi tab main for sure karunga. To uske baad mere dad ko, mom ko, kisi ko pata nahi tha, maine companies ke exam fill kar diye. To maine bola ki dad मेरे को दिल्ली जाना है उसके लिए एग्जाम के लिए तो माय डैड सेड तुमने फॉर्म भर दिया तो आई सेड हाँ मैंने भर दिया तो उसके बाद कहते नहीं रहने दो कोई बात नहीं रहने दो तो आई सेड उसके बाद कि नहीं नहीं डैड आई वांट टू गो तो मैं बोला अगर आप जाने दोगे तो मैं ऐसे चला जाऊँगा तो फिर मेरी लड़ाई होगी घर पर तो फिर मॉम सेड टू डैड कि हाँ कोई बात नहीं करने दो अभी छोटा तो जो उसका मन कर रहा है उसको करने दो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं चला गया एग्जाम वगैरह दिया क्लियर कर लिया सिलेक्ट हो गया फिर जब मैं कॉलेज में सिलेक्ट होने वाला था तो माय डैड अगेन टोल्ड मी कि बेटा सोच लो एक बार तो मैंने बोला
कि डैड मैंने सोच लिया मैं तो मर्चेंट नेवी में ही जाऊंगा बिकॉज टू बी ऑनेस्ट एवरीथिंग टुडे वी हैव इज लाइक इज जस्ट बिकॉज ऑफ मर्चेंट नेवी एंड माई डैड्स हार्ड वर्क एंड मॉम्स कॉपरेशन विद माई डैड. ठीक है तो बेसिकली सो मर्चेंट नेवी इज अ वेरी गुड करियर ऑप्शन. ऐसा कुछ नहीं है कि भाई पीपल से ऑनलाइन की हाँ ये तो पैसों की वर्दी है मिल जाती किसी को भी. तो देयर इज ओनली वन रिप्लाई टू ऑल दोस पीपल दैट हु से दिस इज लाइक कि अगर आप तुम्हें मिल भी जाएगी नौकरी पैसे देके लेकिन लास्ट में तुम एक ऐसी कंडीशन में फंस जाओगे. यू मस्ट हैव हर्ड कि भाई बहुत सारी न्यूज आती है कि भाई सीफेरर्स फंस गए वहां पे फंस गए. तो ये सब वही लोग होते हैं जो पैसे देके मर्चेंट नेवी ज्वाइन करते हैं. सो बेटर कि पैसे देके मत ज्वाइन करो अपने दम पे अपना एग्जाम क्लियर करके एक्सेट्रा एक्सेट्रा थिंग पूरा प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करके मर्चेंट नेवी को ज्वाइन करो. सो इट विल बी बेटर फॉर यू. तो मैं आपको बताता हूँ अगर मैं थापर कॉलेज में इंजीनियरिंग करता तो अप्रोक्सीमेटली एक साल की फीस थी 5-6 लाख. तो 4 साल में 24-25 लाख तक तो लग ही जाते 24 लाख तो लग ही जाते 20-25 लाख तक तो लग जाते. ठीक है अप्रोक्सीमेटली. एंड उसके बाद आई डोंट नो मेरे को कितने लाख का पैकेज लगता पर मंथ या कितने हजार का पैकेज लगता. बट मैंने अभी 1 साल का DNS किया उसके बाद मेरी सैलरी आना स्टार्ट होगी दैट इज अप्रोक्सीमेटली 35-40,000 पर मंथ. सो मेरे DNS की फीस कुछ भी नहीं थी ओनली 3,90,000 बस मेरी ये फीस थी बिकॉज आई स्टडीड इन वन ऑफ द सेमी गवर्नमेंटल यू कैन से इट कम्स अंडर इंटरेस्ट. तो फीस काफ़ी ज़्यादा कम थी प्राइवेट कॉलेजेस की थोड़ी ज़्यादा होती 6-6.5 लाख DNS की. तो बट यू कैन रिकवर इट इन योर क्रेडिटशिप इफ यू वॉन्ट टू. लाइक मैं तो आई बाय द फोन आई बाय द वॉच तो मैंने एक्सेट्रा एप्पल तो बट स्टिल आई गुड रिकवर. ठीक है तो इन द लास्ट आई वुड ऑलवेज से दैट अ 9-to-5 जॉब कैन नॉट गिव यू अ लाइफस्टाइल यू ऑलवेज वांटेड. ठीक है अब मैं शिप पे हूँ मेरे को पता है कि मैं 9 महीने काम कर रहा हूँ लेकिन मेरे को ये पता है कि 9 महीने के बाद जब मैं घर पे जाऊंगा फॉर 3-4 मंथ्स जितने भी मंथ्स के लिए रहूंगा घर पे मेरे को किसी चीज की टेंशन नहीं होगी ना मेरे को पैसे की टेंशन होगी ना मेरे को काम की टेंशन होगी ना मेरे I can enjoy my life to the best. ठीक है अगर आप वही 9 से 5 की नौकरी करते रहोगे चाहे आपका पैकेज अच्छा भी है लेकिन आप अपनी आप इतना बिजी हो जाओगे उस काम में कि आप अपनी लाइफ को कभी इंजॉय नहीं कर पाओगे. आई नो कि मैं शिप पे हूँ 9 महीने घर से दूर हूँ काम कर रहा हूँ जितना भी वो है सब कुछ मैं खुद कर रहा हूँ बट एवरीथिंग ऑफ दिस लाइक इतने टाइम की इज वर्थ इट. जो आपको मनी मिलती है एक्सेट्रा थिंग मेरे को तो इतनी ज्यादा मनी मिल नहीं रही. जब आई विल बी अ थर्ड ऑफिसर देन आई स्टार्ट गेटिंग अ गुड अमाउंट. ठीक है सेविंग्स करके तो देयर आर मेनी कैप्टन्स मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कैप्टन तरुण कुमार कैप्टन सुनील शशांक छेत्री इज अ चीफ मेट इन एंग्लो ईस्टर्न. तो ये बहुत सारी एग्जाम्पल्स है आप इन लोगों का लाइफ स्टाइल देखोगे. तो मर्चेंट नेवी हैज literally changed their lifestyle and chief engineer Praneet sir like sir भी बहुत अच्छे example हैं. तो उन्होंने काफी ज़्यादा struggle किया when he joined merchant navy. तो उन्होंने काफी ज़्यादा struggle करके उसके बाद he grew up and now he's quite rich he has his own academy. तो this how merchant navy has changed everybody's life. so guys अगर आपके parents नहीं मान रहे try to convince them form भर दो and say dad I want to join. बट ऑलवेज ज्वाइन इन अ प्रॉपर वे. अब ये नहीं कि पैसे दे के चढ़ जाओगे जहाज पे. अगर आप पैसे दे के चढ़ोगे तो प्रॉब्लम बाद में आपके लिए क्रिएट होगी. ठीक है तो बेटर ज्वाइन इन अ प्रॉपर प्रोसेस चाहे थोड़ा टाइम लग जाए. मर्चेंट नेवी इज नॉट अ बैड करियर एंड कोई भी करियर अच्छा या बुरा नहीं होता. एवरी करियर हैज इट्स ओन प्रो एंड कॉन्स. सो गाइज चूज योर करियर वाइजली. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज. Bye bye, love you all. Take care guys. Shabba khair. Bye bye. Jai Mata Di.